वैसे तो आप बहुत स्मार्ट हो, थंबनेल देख के तो आप पूरा समझ ही होगे कि आज का व्लॉग किससे बनने वाला है। सो वेलकम टू माय अदर व्लॉग, मैं हूं संदीप सांगा और मैं करता हूं आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। मेरी अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आपका है बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज का जो वीडियो बनेगी, पूरा व्लॉग बनेगा, वो बनेगा गाड़ी पे। मेरे पास जो कार है बलिनो पेट्रोल सिग्मा मॉडल है, जो मैंने परचेस करी। तो जब हम लोग इसको परचेस करने जाते हैं किसी भी कार को, तो डीलर जो होता है, डीलर हमें 3 सर्विस स्टार्टिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जो हमें उनके डीलरशिप पे ही करानी होती है। तो फर्स्ट सर्विस जो होती है वो 1000 किलोमीटर पे होती है, जो मेरे 1000 किलोमीटर अभी तक पूरे कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं जा रहा हूँ फर्स्ट सर्विस कराने और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि फर्स्ट सर्विस में डीलर करता क्या क्या है। जो हमें ये बताया जाता है कि फर्स्ट सर्विस आपकी फ्री होगी, सेकंड सर्विस आपकी फ्री होगी, थर्ड सर्विस आपकी फ्री होगी। तो आज आप घर बैठे ये देख सकते हैं कि फर्स्ट सर्विस में डीलरशिप के थ्रू होता क्या क्या है गाड़ी में, क्या वो चीज़ें होती हैं जो फ्री देते हैं और क्या वो चीज़ें होती हैं जो चार्जेबल होती हैं। तो अभी मैं फिलहाल ले जा रहा हूँ अपनी एक सिर्फ जो ये मेरी बुक थी, जो नेक्सा से मेरे को बलिनो की मिली थी, ये लेके जा रहा हूँ। और कुछ नहीं लेके जाना है, कोई आरसी नहीं लेके जानी है आपको, कोई इंश्योरेंस नहीं जाना है, कोई पोल्यूशन नहीं लेके जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बुक लेके जानी है। और आपके 2 से 3 घंटे आपके लगने वाले हैं। सो आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ और गाड़ी और मैं आज रहेंगे व्लॉग्स में, और आप देखते रहिए, स्किप करें पूरी वीडियो देखना और फिर लाइक और सब्सक्राइब करके बताना कि वीडियो बनी कैसी मेरे मित्रों। पंद्रह मिनट के वेट करने के बाद मेरी गाड़ी का आ गया है नंबर। सो अभी जो इंजीनियर है वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पहले वो एक्सटीरियर का इंस्पेक्शन करेंगे, कहीं पे गाड़ी पे डेट तो नहीं है या कहीं पे गाड़ी पे स्क्रैच तो नहीं है। तो पूरे हर 360 डिग्री का ये पूरा फोटो लेते हैं, उसके बाद में ये करते हैं इंटीरियर का इंस्पेक्शन, जिसमें इंटीरियर में ये पूरा कम्प्लीट देखते हैं कि मीटर में कितना रन हुआ है गाड़ी, क्योंकि फर्स्ट सर्विस जो होती है वो 1000 किलोमीटर पर होती है। म्यूज़िक सिस्टम आपने कौन सा लगाया हुआ है, पेन ड्राइव है या नहीं है म्यूज़िक सिस्टम में, तो ये पूरा, क्योंकि इनकी अब ये इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी 2 या 3 घंटे के लिए। उसके बाद में डिग्गी में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं वो ये पूरा कंप्लीट देखेंगे, गाड़ी में क्या क्या सामान है, जैसे डिग्गी में चाबी पाने जैक वगैरह मिलते हैं हमें कंपनी की तरफ से, तो वो अवेलेबल है या नहीं है, तो वो पूरा अपना सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में वो सारी चीज़ें वो कैप्चर कर लेते हैं। सो अभी जो भी मेरी गाड़ी का इंस्पेक्शन हुआ है वो अपना ये फॉर्म में नोट डाउन करेंगे, कितना किलोमीटर चली है, क्या क्या मेरी गाड़ी में सिस्टम लगे हुए हैं और फर्स्ट सर्विस में क्या क्या इंस्पेक्शन होगा, तो वो सारी चीज़ें ये अपने फॉर्म में नोट कर देते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आपसे जब भी आप गाड़ी में आओ सर्विस कराने, तो आप अपॉइंटमेंट लेके ज़रूर आओ, क्योंकि अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के आओगे तो ये लोग बहुत लेट कर देते हैं, अपॉइंटमेंट में आपका नंबर पहले लग जाता है। अपॉइंटमेंट देना सर जी, डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट हो गया था, इन्होंने जो इनको करनी था डॉक्यूमेंट में जो भी ये लोग लिखते हैं वो सारा कंप्लीट होने के बाद में आप क्या करते हैं, गाड़ी को अपने बैक साइड में जहाँ पे इनका सर्विस स्टेशन है वहाँ पे गाड़ी को ले जाते हैं। और जो इनके मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अब उनके हाथ में गाड़ी रहती है 2 से 3 घंटे, और अब उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपकी फ़र्स्ट सर्विस को, गाड़ी की फ़र्स्ट सर्विस को कर रहे हैं। बट मैं तो आपसे यही रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपकी गाड़ी की सर्विस हो, आप कस्टमर लॉन्च में ना बैठें, क्योंकि वहाँ की एसी की हवा ना लें, आप भी अपनी गाड़ी के साथ ही रहें, आप गाड़ी में देखते रहें कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और किस तरीके से, और मतलब पर्सनली आपकी गाड़ी पे काम किया जा रहा है, आप वो सारी चीज़ें देखें। सो अभी इन्होंने गाड़ी पे क्या कर दिया, गाड़ी को जैक पे लगा दिया है, और अभी जो इनका ये ऑटोमेटिक जैक होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इस पर ये गाड़ी को क्या कर रहे हैं, अब इसको बिल्कुल पूरा उठा रहे हैं, क्योंकि इनको पूरा नीचे से भी देखना होता होगा कि गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कोई ख़राबी तो नहीं आई है। तो अभी ये जो मैकेनिकल इंजीनियर ये आप देख रहे हो, ये नीचे से गाड़ी का जो टायर है उसका जो नट बोल्ट है सिर्फ वो उनको टाइट कर रहा है, ठीक है, जो ढीले हो गए हैं या फिर जो इसको लग रहे हैं कि ढीले हैं ये सिर्फ उनको टाइट कर रहा है। पूरी गाड़ी का एक एक पॉइंट, जितने भी नट बोल्ट लगे हैं, जितने भी काबले लगे हैं गाड़ी में, ये सारे ही चेक कर रहा है। और वैसे तो इसको मैंने पर्सनली कहा था कि मेरी गाड़ी को बिल्कुल आप हर चीज़ चेक करोगे, और मैं हर चीज़ देख रहा हूँ, तो ये काफ़ी टाइम लगा रहा है, क्योंकि अभी मेरे साथ एक गाड़ी आई थी उसका तो इन्होंने 2-3 नट बोल्ट चेक करे और उसको आगे जाने के लिए बोल दिया, मगर मैं अपना गाड़ी का पर्सनली चेक करा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो
गाड़ी का इन्होंने निकाल लिया एयर फिल्टर, तो अभी ये मशीन के थ्रू उसको एयर फिल्टर को साफ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको बाहर नहीं मिलेगी। अभी ये एयर फिल्टर को लगाएंगे और उससे पहले ये मशीन से ही पूरी गाड़ी को प्रेशर से साफ कर रहे हैं, ऑयलिंग चेक कर रहे हैं। ऑयलिंग बता रहे हैं कि बराबर है ऑयलिंग गाड़ी में। ऑयल वैसे भी ये फर्स्ट सर्विस में नहीं डालते हैं, तो ये पॉइंट बहुत खास है कि फर्स्ट सर्विस में ऑयल नहीं डलता है। सिर्फ फर्स्ट सर्विस में अब तक का आपकी गाड़ी के सिर्फ बोल्ट चेक हुए हैं, एयर फिल्टर निकाला है वो चेक हुआ है, वो साफ भी हुआ है। ये डाल रहे हैं ब्रेक ऑयल। गाड़ी के अंदर एसी फिल्टर लगा होता है जिससे एसी की कूलिंग ज़्यादा बढ़ती है, तो ये भी इन्होंने निकाला था और इसको भी मशीन के प्रेशर से इन्होंने साफ़ किया। और अभी ये गाड़ी, ये जो फिल्टर है ये आगे साइड से लगता है, को पैसेंजर साइड से, तो ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये कहाँ पर लगाते हैं। ये यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। तो ये आप अपना घर पर भी इसको साफ़ कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। कूलेंट इन्होंने डाला था अभी तक, और जो दोनों फ़िल्टर हैं एयर फिल्टर और एसी फिल्टर दोनों चेक करें। अभी ये क्या करें, जो बैटरी है उसका पानी देख रहे हैं, बैटरी में आपका बराबर पानी है या नहीं है। तो मेरी बैटरी नहीं है, ज़्यादा चली हुई भी नहीं है, तो पानी ये बोल रहे हैं कि हाँ बराबर है, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो भी करंट है उस पर इन्होंने ग्रिसलिन वगैरह लगाई है। ये अभी क्या कर रहे हैं, ये पानी डाल रहे हैं गाड़ी में, जो हम लोग वाइपर में पानी यूज़ करते हैं। अभी ये डोर्स में ग्रिसलिन लगा रहे हैं, जो कि नॉर्मल ग्रिसलिन होती है जो मार्केट में हमें मिल जाती है इजीली। तो इससे क्या होता है, अगर गाड़ी का गेट आपका हल्की सी भी आवाज़ कर रहा है चूँ चूँ की, तो ये उससे ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल स्मूथली गेट की आवाज़ आने लगती है। तो इन्होंने चारों ही गेट पे लगाई है ये, और काफ़ी अच्छे से ये लगा रहे हैं। तो ये जो जहाँ से ये लॉक करती है कार, ये यहाँ पे भी लगा रहे हैं, और ये जहाँ से ये कार खुलती है, गेट खुलता है, ये यहाँ पे भी लगा रहे हैं। तो इतना सब मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल डीपली कि आपको फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या, जो बताते नहीं हैं ये लोग फ़र्स्ट टाइम में, कि क्या क्या होता है। तो ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ बिल्कुल, कि फ़र्स्ट सर्विस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप बिल्कुल घर पर बैठ के हर चीज़ देख रहे हो कि फ़र्स्ट सर्विस जो बोलते हैं 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये की हम लोग फ्री दे रहे हैं वो होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक गाड़ी में सिर्फ यही काम हुआ है, दोनों एयर फिल्टर और एक एसी वाला फ़िल्टर दोनों साफ हुए, कूलेंट डला है, पानी डला है, नट बोल्ट टाइट हुए हैं और ग्रिसलिन डली है, बस इतना कुछ हुआ है। अभी ये गाड़ी को वहाँ पर ले गया, क्योंकि मैंने इसको बोला था कि मेरे को अपनी कार की जो टायर्स हैं उनकी हवा चेक करानी है। तो ये अभी इसमें नाइट्रोजन और जो हवा रहती है वो चेक कर रहे हैं। तो वैसे तो इनका पूरा डिजिटल ही रहता है अंदर, तो ये भी मैं आपको मशीन दिखाता हूँ ये डिजिटल कैसी होती है। इसमें लोग अपना जो नंबर है वो फिक्स कर देते हैं कि हवा आपकी 35 जानी चाहिए या नाइट्रोजन 10% जानी चाहिए, तो उसी हिसाब से ये जो मशीन है ये अपने आप ही सारे टायरों में अपने हिसाब से। सो ऑलमोस्ट मेरी गाड़ी की सर्विस हो गई है और मेरे लगे हैं 3.5 घंटे फर्स्ट सर्विस में। मैंने आपको बिल्कुल लाइव दिखाई है चीज़ें। अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे और ब्लॉग को आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग रहेगा मेरा लाइफस्टाइल वाला, आज वाला मेरा पूरा दिन इसी में निकल गया।